आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है एंड यू गाइस हैव नो आइडिया कि यहाँ तक आने के लिए इंसान कितनी मेहनत करता है। इट्स नॉट जस्ट योर प्राइमरी एजुकेशन और योर मैट्रिकुलेशन और योर इंटरमीडिएट एग्ज़ाम, इट्स बियॉन्ड दैट। MBBS 5 साल एंड आफ्टर दैट यू टेक Part 1 एग्जामिनेशन विच इज़ FCPS Part 1। After that, you have intermediate module. उसके बाद एक लंबी residency complete करने के बाद और अपने आप को exam के लिए eligible करने के बाद आप देते हैं FCPS Part 2 का theory exam. उसको pass करने के बाद आप आते हैं TOEICS exam में, which is today. आज मेरे oral exam का day 1 है और मुझे TOEICS देना है and I'm so much scared internally. और कर सके हम ही पढ़ के एक और बार पूछे। ओके अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, परेशान नहीं होना और रिलैक्स होकर एवरीथिंग में टाइम। तुम्हारा भी अच्छा, अम्मी अल्लाह हाफिज़ दुआ करना प्लीज़ प्लीज़। आज के लिए भी और कल के लिए भी अल्लाह बहुत आसानी करे इंशाल्लाह सब के लिए। अल्लाह हाफिज़, मुझे बताना। अरे ये एग्ज़ाम चल रहा है अंदर और अम्मी और मैं बाहर ही रुक गए थे। अम्मी कह रही थी कि मैं बाहर ही दुआ करती रहूँगी तो इसलिए हम लोग यहीं पर ही स्टे कर रहे हैं। अम्मी बस बता दुआ कर रहे हैं सना के लिए, अल्लाह पाक सना को कामयाबी से खुशखबरी सुनाए हमें आते। आमीन। जो भी बच्चे दे रहे हैं अल्लाह पाक सबको सबके लिए आसानी करे। जो बच्चे आए हैं आज यहाँ पर आए टेस्ट देने, बस अल्लाह पाक सब के लिए कर, हमारी बच्ची भी कामयाब हो जाए और सब जो भी आए हैं सब कामयाब हो जाए। आमीन। मैं तो सब के लिए दुआएं कर रही हूँ। बस बेटा हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं सना का और जो बच्चे पूरे पाकिस्तान से आए हैं यहाँ आज बहुत बड़ा उनका वाइवा हो रहा है और उनके पूरे 10-12 साल का जो मेहनत है अल्लाह पाक उनके सजाई करे, अल्लाह पाक परवरदिगार उनको कामयाब करे और सब बच्चों को कामयाब। मैं सारे बच्चों के लिए दुआएं कर रही हूँ, हमारी बच्ची भी और सब बच्चे जो लड़कियाँ लड़के जो भी आज आए हैं पूरे पाकिस्तान से, यह बहुत बड़ा इम्तिहान है आज, कामयाब हो के जाए सब इंशाल्लाह।
एक सेकंड में कॉल करता हूँ। तुम इतना मुस्कुराती हुई आ रही हो और इतना सारा खाना लेकर आई हो, इसका मतलब है कुछ गुड न्यूज़ है। क्यों, अच्छा नहीं हुआ क्या? मुश्किल था, सिर्फ हम नहीं थे, सबके लिए मुश्किल था। अच्छा, मोंटीज प्रोसीजर सर्जन को नहीं आता, हम लोग थोड़ा खाना खाओ। तुमसे ज्यादा हम नहीं परेशान लग रही। गुड लक, इंशाल्लाह गुड न्यूज़ के साथ ही आएंगे हमारे पास। परेशान नहीं होना, ठीक है? तीन दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के जाना। अल्लाह हाफिज़। टू बी ऑनेस्ट, कल से ज़्यादा आज मुझे डर लग रहा है। आई एम सो मच स्केयर्ड। सुबह से दिल अजीब सा है और डर इसलिए भी लग रहा है कि आज ही रिज़ल्ट पता चलेगा और जो भी होगा आज फेस करना है। तो एक अच्छी फीलिंग्स भी होती हैं इससे रिलेटेड और बुरा भी लगता है कि यार खुदा नखास्ता अगर हम फेल हो गए तो भी वो आज ही के दिन हमें फेस करना है। सो यू नो, समटाइम इट्स लक, इट्स योर पेशेंट, इट्स योर डे एंड इट्स योर कम्प्लीट लक एंड द वे यू रिस्पॉन्ड इज़ ऑल मैटर्स। ये ले जाना भूल गई, ये भी सैफुल्ला ने याद करवाया है। शुक्रिया कहो सैफुल्ला को यार, अल्लाह। कुछ आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मेरा टोक्स पास हो गया था, शॉर्ट केस पास हो गया था, लॉन्ग केस समझ लो मेरी लक थी। द वे आई रिस्पॉन्डेड वॉज नॉट प्रॉपर एंड द वे आई प्रजेंटेड वॉज नॉट गुड। मे बी और मे बी द एग्जामिनर थॉट that I already knew the patient, which was not the case. It was not my day. So whatever the reason was, I would talk about my struggles behind it. मैं वो सारे दिन याद करना चाहूँगी जिसकी वजह से आज मैं इस काबिल हुई हूँ कि मैं इस एग्ज़ाम में बैठ सकूँ। यू नो, आई स्टार्टेड माई स्टडीज़ इन माई मैटरनिटी लीव। जब मैं मिकाइल को फीड कराती थी उसके साथ साथ मैं वो वॉइस रिकॉर्डिंग्स जो मैं अपनी पढ़ाई के टाइम पर रिकॉर्ड करती थी वो सुनती थी। इस तरह से मेरी प्रिपरेशन होती थी। मेरे लिए इस एग्ज़ाम में सिर्फ एलिजिबल होना और इस एग्ज़ाम को टाइम पे देना ही बहुत बड़ा चैलेंज था। द बेबी वॉज क्वाइट स्मॉल, जिसके साथ साथ मुझे प्रिपरेशन भी करनी थी और इतने स्ट्रेसफुल
डेज थे मेरे लिए, वो करूँ, बेबी को टाइम दूँ, पढ़ाई करूँ। आई एम सो मच थैंकफुल टू माई फैमिली, माई हस्बैंड, माई इन लॉज, माई ओन फैमिली, माई पेरेंट्स, दे वर सो मच सपोर्टिव टू मी। हर वक्त मेरे लिए दुआगो रहते थे, मुझे सपोर्ट करते थे और हर परेशानी में मेरा साथ हमेशा रहते थे। आज अगर मेरा ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, ना मेरी मेहनत कम थी, ना मेरे पेरेंट्स की दुआएं कम थी, ना उनकी सपोर्ट कम थी, ना मेरे हस्बैंड की सपोर्ट कम थी। इट्स ऑल अबाउट लक, नसीब से ज़्यादा और वक्त से पहले कोई चीज़ हासिल नहीं होती। हमें ये बात समझने में बहुत टाइम लग जाता है और सब्र भी थोड़ा लेट आता है, लेकिन अल्लाह ने जिस वक्त जिस दिन कामयाबी लिखी है, उस दिन को दुनिया की कोई ताकत आपसे वो कामयाबी नहीं छीन सकती। नस्रु मिनल्लाह व फतहुन करीब।